आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 206 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। आगरा की जनसंख्या की बात करें तो 2022 पॉपुलेशन चार्ट के हिसाब से आगरा की जनसंख्या 44,18,797 है। आगरा अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, विशेषकर ताजमहल। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। आगरा किला। आगरा किला आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ सीकरी नामक एक गांव पहले से ही मौजूद था, जिसके नाम पर इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी पड़ा। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई थी और ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट में शामिल है। लखनऊ और वाराणसी के साथ यह उत्तर प्रदेश राज्य के एक पर्यटक सर्किट उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क का हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से आगरा ब्रज क्षेत्र में स्थित है और यह यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ से जुड़ा हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही आगरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है और धीरे धीरे एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नगर अब एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दुनिया भर से पर्यटकों की मेजबानी करता है। तो दोस्तों, आगरा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।